तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है और भारत के अंदर हो रही G20 की मीटिंग के अंदर एक बड़ा बखेड़ा स्टार्ट हो गया है और इस मीटिंग से अचानक से चाइना ने एस्केप मार दिया है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि अभी 26 मार्च 2023 यानी रविवार को भारत ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के अंदर एक मीटिंग रखी थी और अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनकर आप सभी को चीन भी याद आ ही गया होगा, क्योंकि अभी हाल ही के में भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश के ही तवांग सेक्टर के बीच में दोनों ही देश की सेनाएं आपस में भिड़ गई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की जमकर धुलाई की थी। और दोस्तों जब भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की इस मीटिंग को अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है तो चाइना ने इस मीटिंग को स्किप कर दिया है और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें यह जानकारी दी गई है। और इसके पीछे वजह यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है जबकि चाइना इसको दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। अब वैसे तो चाइना की तरफ से भारत की G20 की प्रेसिडेंसी का समर्थन किया गया था, परंतु अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में भारत और चीन की सेनाएं आपस में भिड़ गई थी, जिसको लेकर चीन का जो डेलीगेशन है उसने भारत की इस मीटिंग को अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या चीन की तरफ से इस मीटिंग का विरोध किया गया था या फिर नहीं, परंतु यदि ऑफिशियलों की बात करें तो कम से कम 100 से भी ज्यादा की संख्या में दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में इस मीटिंग को अटेंड करने आए थे। परंतु भारत के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है रशिया, और अभी भी इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या चाइना ने भारत की इस मीटिंग को स्किप किया है तो क्या रशियन डेलीगेशन की तरफ से भी भारत की इस मीटिंग को स्किप किया गया है या फिर नहीं। और मैंने भी कई सारे आर्टिकलों में जानने का प्रयास किया कि क्या रशिया का डेलीगेशन भारत आया था इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो इसके बारे में कोई जानकारी डिटेल में नहीं दी गई है। हालांकि रशिया का डेलीगेशन जहां तक मुझे लगता है कि इस मीटिंग को अटेंड करेगा, परंतु चाइना का प्रेशर रशिया से कुछ भी करवा सकता है। वैसे आप सभी को क्या लगता है और क्या रशिया चाइना के खिलाफ जाकर भारत को सपोर्ट कर सकता है, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में। फिर आप जी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।